एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह के मॉर्निंग का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं बहुत ही खुशी से और बहुत ही अच्छी जगह से। मैं पहुँच चुकी हूँ संतोषी माता के मंदिर लदरौर और अब जा रही हूँ मैं। आज सुबह सुबह 7 बजे हैं अभी और सुबह सुबह मैं माता रानी के दर्शन करने जा रही हूँ और आप लोगों को भी करवाऊँगी। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर, मेरी माँ के मंदिर। और मैं अपनी माँ के मंदिर आ चुकी हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सुबह सुबह आपको दर्शन कराती हूँ संतोषी माता के। तो बोलिए सभी जय संतोषी माँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे मंदिर है। हेलो एवरीवन, जय माता दी, जय माता दी। आज हम पहुँच चुके हैं तो हस्बैंड संतोषी माता मंदिर। हस्बैंड जी ने मुझे सरप्राइज दिया, हम लोग तो घर जा रहे थे। इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया क्योंकि इनको पता है कि संतोषी माता मेरे लिए क्या है। चलिए फिर दर्शन करते हैं फटाफट से। आप सभी दर्शन कर लीजिए मेरी माँ के। आप सभी की माता रानी हैं संतोषी माँ, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, मेरी भी की है, आप लोगों की भी करें। गाइस, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हम लोगों को और आप लोगों को भी करवा दिए हमने। आपको कैसा लगा? ये है मेरी संतोषी माता, जिनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। तो आज मैं इसीलिए, हस्बैंड जी ने मुझे सरप्राइज़ दिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो फिर अब हम चले आगे के सफ़र में, शिमला में रास्ते में मिलते हैं आपको और एक दो जगह और भी दिखाएंगे आपको। तो आज के ब्लॉग को भी आप इन्जॉय कीजिए, सबसे पहले लाइक कर दीजिए और फिर ब्लॉग को इन्जॉय कीजिए। तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में। और मैंने, मेरी माता रानी ने मेरे मंगमांग में सिंदूर भी डाल दिया, तो वहाँ पर सिंदूर पड़ा था और मैंने सिंदूर लगा दिया और माता रानी के चरणों के मैंने बहुत ही अच्छे दर्शन किए, बहुत ही मज़ा आया। धन्यवाद माता रानी, जय हो भोले। चलिए फिर आगे के सफ़र में चलते हैं और मिलते हैं आगे के सफ़र में आपको, आपसे और क्या क्या होता है आप सफ़र में। चलिए फिर करते हैं आगे का सफ़र इन्जॉय। तो जैसे ही हम मंदिर से आगे निकले, उसके बाद धुंध देखी सुबह सुबह की धुंध और मौसम ख़राब और बारिश आने वाली थी। हमने फिर रुक के कहीं पे स्वेटर पहन ली, उसके बाद हम आगे के सफ़र में निकले। तो ठंड बहुत हो रही थी क्योंकि सुबह सुबह। फिर आगे जाकर हम पहुंच गए एक ढाबे पे और वहाँ कर लिया हमने नाश्ता, उसके बाद निकले आगे के सफर। तो गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है यहाँ पे और अब निकल रहे हैं हम आगे के सफ़र में। तो हम रुके थे यहाँ घुमारवीं में, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब निकलेंगे हम बिलासपुर, शॉर्टकट बिलासपुर से 4 लाइन से होके। तो चलिए फिर बने रहिए आगे के ब्लॉग में भी। तो गाइस, हमने नाश्ता करने के बाद हम निकल चुके हैं वापस और वापस आके पहुंच गए हैं हम कहाँ, ये देखिए बिलासपुर की झील। और आपको दिखाएंगे, मैंने सोचा कि जब हम घूम रहे हैं और हम लोग जब गए हैं तो थोड़ा एंजॉय भी कर लिया जाए, काम 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 में ही उलझे रहेंगे। अब तो हमारा वैसे भी सीज़न टाइम है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा घुमा लिया जाए। तो मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं यहाँ पे झील दिखाने आपको, और बहुत ही सुंदर झील है, बहुत ही प्यारी है। और थोड़ा सा यहाँ का आपको नज़ारा दिखाएंगे, उसके बाद आगे के सफ़र में चलेंगे।
तो देखिए पहले आप यहाँ का नज़ारा देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ वोट भी है, वोटिंग भी करते हैं लोग, बट हमने वोटिंग नहीं करनी है क्योंकि हमें तो टाइम नहीं है, हम लेट हो रहे हैं, तो हमने पहुँचना है घर भी। तो चलिए थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ आपको यहाँ का। तो गाइज देखिए ये है झील, ये देखिए ये दिख रही है आप झील, थोड़ा सा पानी की वजह से धुंध दिख रही है, और थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ आप रुको। तो गाइज ये देखिए झील, ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक झील ही झील है। हम झील के पास पहुँच चुके हैं, ये है वोट, वोटिंग करने के लिए। कितने? अच्छा नहीं गाइस, ये देखिए बतख निकले, बगुले ये देखिए आए हैं बाहर और हमारे को देख के उड़ रहे हैं, ये देखिए उड़ गए, सब चले गए पानी के अंदर। बहुत बड़ी है भाई, इसमें तो आदमी का पता भी ना चले। गाइस देखिए कितने टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही टूरिस्ट आते हैं, बहुत ही अच्छा एरिया है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर एरिया है, और लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं संडे को। देखिए तो गाइस हम फिर से चल पड़े वोटिंग करने, करने चलो तो इच्छा है आपकी, मर्जी है तो चल जाए आते जब आगे। तो गाइज हम बैठे हैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने, क्यों जी जल जीरा पी रहे हैं हम, और ये यहाँ का व्यू, हमारी धन्नो हमारे साथ में चली है, ये भी गर्म हो जाती है, मैं कहता हूँ थोड़ा इसको भी रेस्ट दे देते हैं, तब चिप्स खा लेते हैं और जल जीरा पी लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके फिर निकलते हैं आगे। और हम पहुँच गए हैं कहाँ, शालाघाट है ना, शालाघाट से, शालाघाट से आगे आ गए हम, बस अब थोड़ा ही रहा हमारे को, तो चलिए मिलते हैं पहुंच के आगे रास्ते में। तो गाइज अब पहुंच गए हम घर पर, और अब रेस्ट तो मैं नहीं करूंगी, क्यों क्योंकि कपड़ों का ढेर लगा है और संडे भी था आज, और सारा काम ऐसे रहा हुआ, तो बेटे ने सफाइयाँ तो कर रखी है लेकिन कपड़े धोने हैं मुझे, तो बस थक तो गए हैं, सुबह 6 बजे चले हैं और हम पहुँचे यहाँ पे 12:30-1 बजे, तो अभी 1:30 बज रहा है, 2 बज रहे हैं ना, 2 बज चुके हैं। हम थोड़ी देर दुकान भी रुके क्योंकि किसी के सूट देने वाले थे, वो सूट दे के उसके बाद आए, तो अब धो रही हूँ मैं कपड़े, ढेर लगाए हैं कपड़ों का, कल है मेरी सासू माँ का श्राद्ध, तो फिर कल हमारे कपड़े धुलने नहीं है, इसलिए श्राद्ध वाले दिन कपड़े धोते नहीं है, जिस दिन श्राद्ध होता है तो उस दिन कपड़े नहीं धोते, तो आज मैं धो लेती हूँ इनको ताकि कल मैं दुकान भी जा सकूँ और श्राद्ध भी कर सकें। तो फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ और साथ में बना रही हूँ पुलाव, खाना भूख भी लगी है, तो चलिए कर लेते हैं, थकान का नाम नहीं होता लेडीज़ की लिस्ट में, तो फटाफट से काम कर लेते हैं फिर मिलती हूँ आपको। तो ये देखिए गांव से लाए हम कद्दू, मक्कियाँ, ये भी कद्दू है, और ये है आंवले जो कल आपके सामने तोड़े थे, पर कद्दू हमने जब तोड़ा तो आपको वीडियो नहीं बना सकी मैं क्योंकि फ़ोन मेरा डिक्की में था, और हम लोग फटाफट से कद्दू तोड़ा और हम आ गए, और मौसम भी ख़राब हो गया था, वहाँ बारिश लग गई थी, और यहाँ का मौसम तो अच्छा है, देखिए बढ़िया मौसम हुआ बाहर। और मैं बना रही हूँ पुलाव, और पुलाव के साथ साथ कपड़े भी धो रही हूँ, कपड़े भी धुल जाएंगे साथ साथ, फिर मैं उसके बाद 3:30-3:30 बजे थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर शाम का खाना बनाएंगे, तो इतना ही रेस्ट मिलेगा आज मेरे को, ज़रूरी है काम भी, तो मैं अब काम भी नहीं छोड़ सकती, तो इन सामान को भी लगाना है, आंवले भी बॉयल करके सूप में डालने हैं, और इसका भी अचार डालना है मुझे, थोड़े सी लाई हूँ, 2 किलो हो गए शादी,
चलिए कर लेते हैं काम फटाफट से। पूरे किचन में ना आंवले की खुशबू आ गई है। दो रीति कपड़े